क्या नाम है आपका? रेखा महावीर वैष्णव मेरा नाम है। सुरेश अपार्टमेंट में रहती हूँ, कल्याण फाटा डायगर गांव में। अच्छा, आपका और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, तो दरअसल क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि वो मुझसे ना, मतलब उसके घर वाले खुश नहीं थे मेरी शादी से, और वो बार बार बोलते थे कि मतलब छोड़ दे। मेरा जेठ पवन वैष्णव ने बार बार उसके ऊपर जोर दिया था, मेरे आदमी को छोड़ दे करके। पूजा वैष्णव ने भी दी थी, मेरी ननन, उसने भी बोली थी कि छोड़ दे उसको। और ये ओम, क्या नाम है, ओम प्रकाश वैष्णव और मैं ससुर है, उन्होंने भी बोले थे। सब उसके घर वाले मेरी शादी के खिलाफ थे, यहाँ तक का मेरे जेठ के सामने मेरा बच्चा हुआ है, वो चार माले पे रहते हैं यही बिल्डिंग में, सुरेश अपार्टमेंट में, और मेरे को बोले थे 406 उनका रूम नंबर है। उन्होंने मेरे को ये बोले थे कि तेरे को छुड़वाऊंगा, देख लेना, तेरे को अलग करवा के रहूंगा। उन्होंने पूरा हमेशा क्या विवाद क्या हुआ था कि क्यों परिवार छोड़ने के लिए बोला? परिवार इसलिए छोड़ने के लिए बोले थे कि वो मेरे से पैसे मांगे थे, मेरा जेठ। पहली बार तो उनकी नानी डेट हुई थी लॉकडाउन में, मेरे को बोले थे पैसा दे, तो 15,000 दी थी मैंने। उसके बाद माँ डेट हुई तभी 50,000 लेके गए थे मुझसे। माँ का जो अभी पूजा था, 11 महीने होने के बाद, 1 साल होने के बाद पूजा रहते हैं ना, उनका पूजा था, तब मेरे से 20,000 लेके गए। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोलते कि इसको छोड़ दे, शादी करवा देंगे। ये लोग ने शादी करवाए। किसकी शादी करवाए? मेरे आदमी की दूसरी शादी करवाए। हाँ, और उसका जो मामा है वो भी मेरे को धमकी देता है कि तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले, अब है ना वो लड़का ये लड़की के साथ नहीं रहेगा। अच्छा, आपकी शादी महावीर के साथ कब हुई थी? 2018 में। ये बच्चा जो है उन्हीं का है? हाँ, ये मेरा है बच्चा है, मेरे आदमी का। और वो जो उनका नाम क्या है, वो मामा का नाम याद नहीं आ रहा है। तो पति आपके पास यहाँ आते नहीं आते, वो दूसरी औरत के पास। फोन शाम पे वगैरह ऐसा कांटेक्ट हुआ उनसे? नहीं हुआ है। शाम मामा करके है, उनके पास है, उनकी दूसरी वाइफ और मेरा पति उनके साथ है। और उनके शाम मामा की औरत ने मुझे ये बोला था फोन पे कि तेरे बच्चे का हम DNA चेक करवाएंगे कि ये बच्चा किसका है करके। मैंने एग्री हो गई कि मैं एग्री हूँ, मैं DNA चेक करवाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे डर रहेगा। तो ये सब उन्होंने बोले थे और बाकी का कुछ नहीं बोले। मैं बस इतना हेल्प चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे पास आ जाए, कि मेरे बच्चे का तबीयत खराब है। और मतलब मैं अभी बहुत, यानी कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैं पुलिस चौकी भी गई थी, इतने 1 महीना हो गया, 1.5 महीना कि मैं वहां से आ रही जा रही। आपके पति ने दूसरी शादी अगर की है, जिसका कुछ आपके पास प्रूफ वगैरह? हाँ, एक प्रूफ है मेरे पास। मेरे आदमी ने खुद चिल्ला चिल्ला के बोले कि मेरे घर वालों ने बोले इसके लिए मैंने शादी किया, मेरे घर वालों ने बोले इसके लिए शादी किया, मेरे पप्पा ने बोले मैंने शादी किया। तो आपने पुलिस वगैरह में कुछ शिकायत वगैरह किया? शिकायत की थी, मार पीटी का भी की थी, मेरा आदमी मुझे मारता भी था, मैंने मार पीटी का भी केस की थी। उन्होंने कोई एक्शन लिए नहीं अभी तक, बस खाली फोन किए थे, उनका फोन नहीं लगा और बाकी का कुछ नहीं किए। हिंदू एक्ट के खिलाफ, मैरिज एक्ट के खिलाफ, आपके जो हस्बैंड है वो आपको तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते, और मेरा उनका तलाक नहीं हुआ है। तो आपने इसकी रिपोर्ट जाकर डाइगर चौकी में आपने लिखाई थी? हाँ, मैं बोली थी कि हाँ, वो मेरे को मारते भी थे, तो मारम पीटी का केस लिए। और फिर उसके बाद मेरे को ये बोले कि ये फैमिली मैटर है, ये आपको फैमिली कोर्ट में निपटाना होगा। तो मैंने बोली ठीक है, गुना दाखिल कर दो। ये महीने के 4-5 तारीख को मैं, सर का फोन आया था, मैं गई थी, बुलाए थे, तो उन्होंने ये बोले थे हम तुम्हें गुना दाखिल करके देते, आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। मैं ठीक है, मेरे को चलेगा, मेरे को गुना दाखिल करके दे दो। फिर उसके बाद उनका कोई मैटर आया था, एक दूसरा मैटर आया था, तो वो बिजी हो गए जरा सा। मेरे को ये बोले कि आपको मैं शाम में फोन करता हूँ, आप शाम में आ जाना कि मैं आपका गुना दाखिल कर दूंगा। मैंने कुछ शाम में फोन नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन मैंने खुद लगाया तो बोले मैं बीमार हूँ। ठीक है, मैंने बोली कोई बात नहीं। फिर 2 दिन के बाद मैंने फोन लगाया, मैंने उनको मैसेज की थी, मैसेज बॉक्स में क्या हुआ सर, मैं रेखा वैष्णव हूँ, महावीर का कुछ आपने बताया नहीं। तो उन्होंने मेरे को फोन किए, 2-3 दिन हुआ फोन किए थे, ये बोले थे मुझे कि आपको ना उसका अपने आदमी का दूसरा फोटो ला के देना पड़ेगा, दूसरे शादी का, नहीं तो आपको ये कार्ड ला के देना पड़ेगा।
तभी हम लोग गुनाह दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, आपके ससुराल वाले आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं? हाँ। तो आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको शक था किसी बात को लेकर? उन्होंने मेरे जो मेरा जेठ है पवन वैष्णव और मेरी ननंद है पूजा वैष्णव ने, वो दोनों ने ये बोल के रखे कि वहाँ पे मेरा तलाक हो चुका है महावीर के साथ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जब तलाक होगी तो ये बच्चा आया किधर से? फिर यहाँ तक उसकी माँ को पता रहता है ये बच्चा किसका, और मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा क्या, ये बच्चा मेरे आदमी का ही है। और टाइगर वालों ने गुना दाखिल करते करते रोके हुए फिर से दो दिन बोले कि आप कोई प्रूफ ला के दो, नहीं तो कार्ड ला के दो, नहीं तो मुझे ला के दो। शादी जो है कोर्ट मैरिज से किया था? हाँ, कोर्ट मैरिज से हुई मेरी शादी। वो है आपके पास? हाँ है, पावती दिखाओ। तकरार में भी आपने कुछ शिकायत वगैरह की है? हाँ, महिला तकरार में भी शिकायत की हूँ। मैं महिला तकरार की हूँ, टाइगर चौकी में की हूँ, और अभी तक कोई मेरा हेल्प नहीं हुआ। तो आप जो पुलिस प्रशासन है उनसे क्या निवेदन करना चाहती हैं? मैं क्या ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, मेरा हेल्प करे, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मैं इतना चाहती हूँ डीएसपी जितने भी बड़े ऑफिसर है बस उनसे इतना चाहती हूँ कि मेरा हेल्प किया जाए। मेरा बच्चा बीमार है, यहाँ तक मेरे बच्चे को न दूध के लिए पैसा नहीं, किसके लिए नहीं। और उन लोगों ने फोन करके धमकी दिए थे, मेरे को दो बार धमकी मिल चुकी है। मेरे जेठ ने ये बोला था मुझे कि इसको लेके जाया, इसको गांव लेके चल, इसको दिखाते वहाँ पे। और मेरा श्याम मामा ने ये बोला था मुझे फोन करके, जो करना वो कर ले, अब वो लड़का ना ये औरत के साथ में रहेगा।